Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and the CN making. This is module number ninety-three, and we are going to talk about seven transformations of leadership. And this would be discussed in idea related to the seven transformations in its shorter form. As we know that when we talk about transformation, we are basically concerned with the followers. कि उन फॉलोअर्स को आपने किस तरीके से गाइड करना है ट्रेन करना है डेवलप करना है सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रस्पेक्टिव में अपने गोल्स टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें और एक राइट विजन के साथ वहां पर ऑपरेट कर सकें वेन वी टॉक अबाउट द सेवन ट्रांसफॉर्मेश रिमेंबर दैट देर आर सर्टन एक्शन लॉजिक्स वी नीड टू फोकस अपॉन एंड दोज एक्शन लॉजिक्स कैन बी रिलेटेड टू द लीडरशिप कंसर्न एज बींगर्चुनिस्ट

लेकिन इनसे हम डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस वो वो अचीव नहीं कर पाते। जब अचीवर के तौर पर काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजीज का कंसर्न हमारे सामने आता है जिसमें हमें यह बात देखनी पड़ी कि द लीडर इज देयर टू अचीव द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन वो स्ट्रेटजीज को उन Spirit के साथ इंप्लीमेंट नहीं कर पाता जिन स्पिरिट्स की एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत वो होगी अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर देखें तो वहां पर जो कंसर्स हमारे पास आते हैं दे टाइम ड्यूरिंग द इंडस्ट्री सर्विस एंड वी वर एबल टू फाइंड कंसिस्टेंट कैपेसिटी टू इनोवेट एंड डेवलप ये परस्पेक्टिव हमारे सामने मौजूद होता है दैट मीनस के ज्यादातर लोग आर रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिस्ट डिप्लोमेट एंड एक्सपर्ट एस्पेक्ट्स और दे आर डेवलपमेंट अब इन तमाम एस, ए, सेवन जो हमारे पास लेयर्स हैं, इनको हम मुख्तर कुछ को बयान करते हैं फॉर एग्जाम्पल

वो जो लीडर वहां पर ऑपरेट कर रहा है वो माइट से कि द माइट मेक्स द राइट सो उसका फोकस सिर्फ उस चीज पर है जहां पर उसको अपना रिटर्न वो मैक्सिमम होता नजर आएगा जिसके बरक्स अगर हम इंडिविजुअलिस्ट परस्पेक्टिव को देखें तो इंडिविजुअलिस्ट परस्पेक्टिव में द इंडिविजुअल इज देयर टू ऑपरेट विद अनकन्वेंशनल वेज उसका जो तरीकेकार होगा वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होगा और वो अपने आप को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकेगा द

Secondly, वो collaboration के ऊपर फोकस करेगा थर्डली वो ऐसा एस्पेक्ट डेवलप करेगा जिसमें के vision pragmatic basis के ज़्यादा ऊपर हो सके। And obviously, being a strategist, उसका focus इस बात पर होगा कि वो आने वाले चैलेंजेस का सामना बेहतर तरीके से कर सके लेकिन अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में हाइएस्ट लेवल ऑफ बींग एलकेमि को देखें तो एलकेमिस्ट होने के नाते वो लीडर इज देर टू जेनराइज

जिसमें कि हम अपॉर्चुनिस्ट होने से अपनी बात का आगाज करते हैं और एलकेमिस्ट तक पहुंचते हैं इसमें हमें इस बात पर फोकस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या डिमांड कर रही है फॉलोअर्स की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं और अपने किस लीडरशिप कंसर्न के साथ हम बेहतर तौर उनके साथ ऑपरेट वो कर सकते हैं देयर टू बी एलकेमिस्ट इज द बेस्ट वे ऑफ बींग लीडर थैंक यू